जहां पर दबंगों ने किसानों का रास्ता बंद कर दिया है और यहां किसानों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बारा में दबंगों ने रास्ता बंद कर दिया जिससे 10 किलोमीटर दूरी तय कर किसान घर और खेतों में पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि कमर भर पानी में उतरकर किसान आने जाने को मजबूर हैं। दरअसल सरकारी जमीन पर पहले से चारागाह था और इसी को लेकर किसान अपने खेत में आते जाते थे, लेकिन दबंगों ने चारागाह की जमीन पर कब्जा कर लिया जिसकी वजह से किसानों का रास्ता बंद हो गया। सरपंच से लेकर जिला प्रशासन तक रास्ते की गुहार लगा चुके हैं, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा खेत इधर है, अब उधर चरागाहों में भी हमें नहीं निकलने दिया जाता है। हमने कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया, जिला कलेक्टर, एडीएम, विधायक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सबको हमने अवगत कराया है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। हम इस पानी में से फसल निकाल रहे हैं और यहाँ पीपलदाव से मेलखड़ी ले जा रहे हैं ट्रॉली में भर के 12 होके 10 किलोमीटर होके, और हमारा जो चरागाह भूमि है उसका कचरा नंबर है 104, 124, 129, 130, 131, उसका चरागाह नंबर है 326, लेकिन हमने कई बार पटवारियों को बताया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी है। ये भूमि ग्राम में आती है, पिपलदा ग्राम में लिसड़े पंचायत है। हमने सरपंच साहब को भी अवगत कराया था, लेकिन हम यहाँ से पानी में से फसल निकाल के ले जा रहे हैं, ढूंढी पानी में से होके हम फसल को ले जा रहे हैं। आपको समस्या आ रही है? हाँ, और हमारा खेत 15 बीघा ऊपर है सर, अब उसकी पूरी फसल हम पानी में से निकाली है, जलीय जीवों से भी निडर रहे हैं। जानकारी के साथ बारा से हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, किसानों की मुश्किलें यहाँ पर दबंगों ने बढ़ा दी है, आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या इसको लेकर कोई शिकायत किसानों की तरफ से की गई है प्रशासन से? जी बिल्कुल शिवानी, मैं आपको बता देता हूँ कि बारा जिले के लिसाड़े ग्राम पंचायत के पीपलदा गांव में जहाँ पर किसानों की जमीन है वहाँ से किसान इसलिए परेशान है कि दबंगों के द्वारा चारागाह भूमि से जो पूर्व में रास्ता था उसको बंद कर दिया गया है। इसके चलते हुए जो किसान है अपनी फसलों को लेकर या तो नाले को पार करते हुए कमर कमर तक के पानी में या 10 किलोमीटर का अन्य सफर तय करके अपनी फसलों को तैयार करने के लिए ला रहे हैं। अब दबंगों के द्वारा जो इस चरागाह भूमि का जो आम रास्ता था उस पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन किसानों के द्वारा जो है वो पटवारी से लेकर नायब तहसीलदार, जिला कलेक्टर तक गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन है कि प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की है। वही किसान अजय पोर्टर के द्वारा बताया गया है कि हमने यहाँ के सरपंच, पटवारी, जो भी अधिकारी और जो इससे जुड़े लोग हैं उनको जानकारी दे दिए, लिखित में रिपोर्ट दे दिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई।